लड़ाई हो रखी है, मेरे को लग तो नहीं रहा तुम दोनों को देख के। मजाक चल रहा है ना ये सब? पागल होती है जब खुद को उसने उसने क्या किया है। किस बात पे हुआ? नीरा मेरे को तेरी शक्ल से तुम्हारी लड़ाई हो रखी है करके। ना तो वो चला गया, उसको दे रही हो रही। पहले पता लड़ाई किसके हुए? झूठे प्रैंक करते हो मेरे साथ? आंचल कहाँ है? चल। हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी बजे शाम के 5 और मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इन दोनों ने मेरे को अचानक से बुलाया लड़ाई हो गई करके। ये दोनों मेरे साथ कर रहे हैं प्रैंक सर, पता नहीं क्या हुआ है। थोड़ा सा तो मैंने रिकॉर्ड किया पर मैं बना भी नहीं पाई क्योंकि मैंने दादा से बोला जल्दी पहुँचा, कुछ हो गया है, मेरे को जाना था, वो मेरे को यहाँ छोड़ने आया, पता है लड़ाई हो रही करके। वहाँ तो जाना ही है मार्केट टाइम से। हाँ पहले बताओ। हाँ अबे रहने दो, झगड़ा हुआ है तुम्हारा? लड़ाई हो रखी है, मेरे को लग तो नहीं रहा तुम दोनों को देख के। अबे मेरे को बताया तुम्हारी प्लानिंग है? अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ रहता ना मेरे को ऐसे ही समझ आ जाता रहने दे। आपको क्या लग रहा है इन दोनों का झगड़ा हुआ होगा क्या? क्या लग रहा है आपको इन दोनों का झगड़ा हुआ है? मेरे को तो नहीं लग रहा। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। सब मजाक चल रहा है ना? क्या मजाक चल रहा है ना ये सब? किस बात पे हुआ? चल किस बात पे हुआ ये बता दे। चल क्या किस बात पे लड़ाई हुई ये बता दे। क्या क्या फिर वजह? बेटा कोचिंग में मैं तुम्हें देख रही थी, जैसे रोज लड़ाई होती ना रोज के जैसे मूड ऑफ रहता है। चल वजह बता दे। ए वजह बता भानु, वजह बता दे। चल अगर लड़ाई हुई है वजह बताओ, वजह बता तो सही। लड़ाई हुई क्यों बता तो सही, मैं वापस जा रही हूँ ना। अरे क्या है यार बताओ यार। वॉक पे चले गए थे आज फिर से दादा नेहा के साथ डायरी लेने के लिए। तो गाइस मेरे को तो ये सब मजाक लग रहा है पर पता नहीं क्या है यार। इसके मुंह से हंसी टपक रही है ना गाइस, देखो हंसी टपक रही है ना। अरे ये पोस्ट देख के हंसी आ रही है, तू भी देखेगी तेरे को भी हंसी आएगी। तेरे उसमें नेट कहाँ से है? थोड़ा सा तो चल रहा है आगे पीछे घचक घचक। मेरे नेट पे मैंने वो अनलिमिटेड करा दिया ना, मेरी इनकमिंग खत्म हो गई। यार अब मेरा मन कर रहा है एक दिन और रहती, एक दिन और रहती तो अच्छा होता, एक दिन और रहती अच्छा होता, व्लॉग डाल के आ जाती फिर थोड़ी देर में आ जाती। गाइस यहाँ पता नहीं फिर से क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है यार। मेरे को तो ये सब मजाक लग रहा है, तब से मैंने कपड़े नहीं बदले, मेरे को इतनी जोर जोर के हंसी आ रही है, क्या ही बोलूं मैं अब। तो गाइस आपको भी लग रहा है क्या? बताना चाहिए भानु अपनी गलती नहीं मानती किसी भी चीज में, पूछ तो उससे खुद पूछ ले हुआ क्या, तेरे को खुद पता लग। तो किस बात पे हुई ये तो बता। तो पूछ ले ना उसको, वो बोलेगी फिर अपने साइड का बता रही है, अपने वो कर रही है। नहीं तुम अलग अलग बताओ तब मेरे को पता चलेगा ना। उससे पूछ ले। बना रहे थे मेरा उल्लू, उल्लू बना रहे थे मेरे पापा। पागल देखो मेरे को लग गया था क्योंकि तुम्हारी स्माइल टपक रही थी ना, और तुम मेरे को अचानक से ऐसे बुलाते नहीं। मेरे को हंसी आ रही थी यार। कहाँ मेरी मौसी, मैं मौसी लोगों को ऐसी, मेरे इतने जोर से अजीब सा हो गया ना मेरे को। सच में मेरे को ना, सच में मेरे को धक जैसे हुई। मैंने भाई से चल, अब वो बोल रहा था सूरज छोड़ देगा क्योंकि दिखाती हूँ साला उल्लू बना रहे थे जो मेरे को तुम। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम सब्जी लेने के लिए, मेरे को वहां से थोड़ा सामान भी लाना है, और इन दोनों की लड़ाई वड़ाई कुछ हुई नहीं थी, दोनों ने उल्लू बना। आज हम बहुत दिनों बाद, थोड़ा देर के लिए सुनो 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 मेरे सुनो, आज हम बहुत दिनों बाद
बार हमें ब्लॉग में देख लूंगी, इसने एक दिन भी हमारा नाम ब्लॉग में नहीं लिया, इसलिए ऐसे बोलचाल मत बोलो। चुप रहे। तो गाइस इन दोनों ने मतलब ऐसा कर रखा था ना, तो उल्लू बनी थी मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मतलब हैं गाइस चलते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस देखो नाक खराब हो गया एकदम, चमकते धमकते मैंने ये ले लिए हैं एक, और मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा। मैं वहाँ मैं भी तो कुछ करने के लिए हो गया तेरा गाइस गाइस यहाँ मार्केट में ही ट्राई करने लग गई है। ये भी अच्छी लग रही है पर इसकी छोटी है, अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी लग रही है ना, अच्छा लग रहा है मुझे, ट्राई कर। गाइस हम आ गए हैं रूम पे और मैं ला रखी हूँ आज सामान, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस मैं ये सामान लेके आ रखी हूँ, ये मैं अपनी अम्मा के लिए स्वेटर लेके आ रखी हूँ, और ये है मम्मी के लिए स्वेटर, और इसमें गर्म कपड़े हैं पापा के लिए, और ये मेरे लिए चप्पल है। मेरी चप्पल कैसी लग रही बताओ, वैसे तो बिस्तर पे निकाल रही हूँ मैं, पर ये देखो गाइस इसके शकल से बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना गाइस, ऐसे शकल से बिल्कुल मैच कर रहा है देखो। तो ये ले, और भानो टैडी बनाने के लिए ये लेके आ रखे हैं, गुड्डा बनाने के लिए छोटा छोटा सॉक्स, अब इनको काटेगी खाली, इतने पैसे बर्बाद करेगी। और हम पॉपकॉर्न भी लेके आए, हाँ उस पर वही। तो गाइस अब खाने का टाइम, बोला कैसे वही गाइस, मेरी वजह से लोग पॉपकॉर्न को जान रहे हैं लोग मेरे को जान रहे हैं, लोग आंचल को जान रहे हैं, भानु को जान रहे हैं, इनको कोई जानता है। किचन में खाना बनाने के लिए, और मैंने अपने पैसे खो दिए हैं, सामान जो सामान लाई थी उनमें से मेरे आधे पैसे खो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए। तो गाइस अभी बनाते हैं हम खाना, दिखाते हैं आपको आज क्या बना रहे हैं, आज क्या बना रहे हैं, मूली और आलू और रोटी। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, और अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा कोचिंग का काम, और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।